दोस्तों अगर आप सब iPhone 14 को इस बिग बिलियन डेज में लेने वाले हो क्योंकि बिकॉज ऑफ ये सेल में मिलने वाला है आप सबको 50,000 के अराउंड में, ये गलती मत करना। पर्सनली बोल रहा हूँ इस फोन को लेके बहुत पछताओगे और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ आज की वीडियो में बता दूंगा। बट देखो यूजली अगर मैं iPhone 14 और iPhone 15 की बात करूँ तो बस डिफरेंस है वो ऑफिशियली 10,000 रुपीज का। तो क्या आपके 10,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा लगाओगे तो वर्थ इट होगा या नहीं होगा मैं बता दूंगा आज के वीडियो में। और हाँ, पर्सनली आपका भाई iPhone 14 यूजर है तो एकदम ना जो भी सच है अंदर का छुपा हुआ मैं आप सबको एकदम सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। सो अब ना ज्यादा बात करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हल्की सी रिक्वेस्ट, यहां पे एक रेड कलर का प्लीज एक बटन दिखाई दे रहा है दबा के ग्रे कर देना, बस आप सबसे एक हल्की सी रिक्वेस्ट मांग रहा हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अब ना ज्यादा बात करते हुए इसी पावर एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और देखो ये सारे पॉइंट्स जो जितने भी फैक्टर मैं बता रहा हूं आज के वीडियो में कि आप सबको 14 की जगह 15 को देखना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स लिटरली आप सबको अगर ध्यान से सुनोगे तो आप सब समझोगे। दोस्तों पहला फैक्टर है वो है iPhone 14 को ना लेना, बिकॉज आपको पता होगा iPhone 14 में आप सबको देखने को मिलती है ये पुरानी वाली ओल्ड नॉच, और 15 में आप सबको पता है iPhone 15 में आ चुका है डायनेमिक आइलैंड, सीरियसली काफी कूल लगता है, प्लस उसी के साथ प्रो मैक्स वाली फील देता ही है। मतलब जो आप सब डायनेमिक आइलैंड फाइंड करते थे वो आप सबको सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, अब आपको उसके लिए 1,00,000 सुपर पे नहीं करना। डेफिनेटली पहला फैक्टर यही बनता है 15 लेने का। दूसरा फैक्टर है वो है कंफर्ट। देखो iPhone 15 के जो साइड्स के एजेस है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और थोड़े कर्व्ड हो चुके हैं, और वहीं मैं पर्सनली बात करूं iPhone 14 की तो देखो पर्सनली हाथ में पकड़ने पे ना काफी इसके एजेस शार्प लगते हैं, तो टाइट अगर हाथ में पकड़ोगे तो हल्का सा ना एकदम लगता है कि थोड़ा कुछ हाथ में चुभ रहा है। तो देखो कंफर्टनेस वाइज एक बड़ा फैक्टर बनता है कि iPhone 15 काफी ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल बन चुका है। तीसरा फैक्टर जो कि है बैटरी। iPhone 14 में आप सबको 3280 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। पर्सनली मैं बताऊं एक दिन में आप सबको मैं पर्सनली बताऊं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चलती इसकी बैटरी बैकअप, बट 15 में आप सबको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर द बॉस की जिनने ये टेस्ट किया था बैटरी ड्रेन का, और लिटरली आईफोन 15 का बैटरी ड्रेन आईफोन 15 प्रो से काफी तगड़ा चलता है। तो लिटरली बैटरी एक काफी अच्छा फैक्टर होगा, मैं बोलूंगा आईफोन 15 जो है वो अब तक का बेस्ट बैटरी बैकअप देगा। चौथा फैक्टर बनता है वो है प्रोसेसर का। आईफोन 14 में आप सबको देखने को मिलता है पुरानी A15 बायोनिक चिप, बट आप सब अगर अपग्रेड करें आईफोन 15 में तो आपको मिलेगा A16 बायोनिक चिप। आई नो वो प्रो मैक्स में पिछले वाले वेरिएंट में मिलता है 14 प्रो मैक्स और प्रो वेरिएंट में, बट एक अपग्रेडेशन है। और पांचवा फैक्टर बनता है आईफोन 15 लेने का वो है USB-C का पोर्ट। अब देखो स्टैंडर्ड बन चुका है अब जो आईफोन 15 है वो उसमें आप सब चाहे SSD कनेक्ट कर लो, गेम पैड कनेक्ट कर लो, गेम कंसोल कनेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो बड़े आराम से। मतलब आईफोन 14 अगर है मेरे पास तो मेरे को ना इसका चार्जिंग थंडरबोल्ट पोर्ट भी लेके घूमना ही पड़ता है, बिकॉज इसका और कहीं चार्जर कहां मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि आप सब कोई भी USB टाइप सी चार्जर से आराम से चार्ज कर सकते हो अपने iPhone 15 को। सिक्स्थ फैक्टर अगर मैं बताऊं वो है कैमरा। कैमरा आप सबको देखो पुराने वाले जो iPhone 14 है इसमें आप सबको 12 मेगापिक्सल के ही वही जो आप सब पुराना एक्सपेक्ट करेंगे वही देखने को मिलता है, बट iPhone 15 में आप सबको इस बार 48 मेगापिक्सल कर दिया है। मतलब कैमरा में एक लेवल ऊपर कर चुका है, प्लस 2x टेलीफोटो को यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, काफी शार्प इमेजेस लेता है। और अगर मैं बात करूं iPhone 14 Pro Max से अगर मैं कंपेयर करूं iPhone 15 की इमेजेस तो आप सब लिटरली देख सकते हैं iPhone 15 की क्लैरिटी iPhone 14 Pro Max से ज्यादा है। तो पर्सनली मैं बताऊं कैमरा वाइज 15 काफी ज्यादा तगड़ा रहेगा, 14 से तो बहुत ज्यादा आपको अपग्रेडेशन मिलेगी, प्लस 15 में कुछ अपग्रेडेशन है छोटे छोटे कैमरा वाइज, जैसे आप सबको अगर नॉर्मल फोटो लेगो तो उसको पोर्ट्रेट में भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो 15 में काफी तगड़ी बन जाती है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कैमरा वाइज कि 15 को लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो लिटरली आप सबको पता होनी चाहिए अगर आप सब iPhone 14 को बाय करने जा रहे हो बिकॉज ऑफ वो सस्ता मिल रहा है। तो यार ये चीजें मैंने आप सबको बता दी है वीडियो में, देखो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं करूंगा कि करो, बस मैंने अपने सारे पॉइंट व्यू रखे आपके सामने कि ये कुछ चीजें हैं। अगर 10,000 रुपए लगा के आप सबको इतनी अच्छी वैल्यू मिल रही है तो व्हाई नॉट, एक नया फोन एक लेटेस्ट फोन क्यों नहीं, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आप सबको iPhone 15, बहुत मजा आ जाएगा। बाकी ये थी मेरी यार आज की वीडियो, होपफुली मजा आएगा, और मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।